जैसे मैंने आपसे कहा था कि हैथवे रेस्ट ऑफ इंडिया में एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला है, तो फाइनली ये अपडेट आ चुकी है। आज मैं आपको इंग्लिश मूवीज़ के चैनल्स के एलसीएन और साथ में इंग्लिश एंटरटेनमेंट के चैनल्स के एलसीएन जो कि हैथवे की तरफ से अपडेट कर दिए गए हैं, इसकी अपडेट देने वाला हूँ। तो आइए टीवी स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हैथवे ने अपने न्यू एलसीएन को किस तरीके से अपडेट किया है। अब इंग्लिश मूवीज़ के नए एलसीएन क्या रहने वाले हैं, साथ में इंग्लिश एंटरटेनमेंट के नए एलसीएन किस प्रकार से रहने वाले हैं, आइए इसकी एक झलक देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ में इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने रखा है ओनली 50, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम आप 50 लाइक तक के जरूर पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए टीवी स्क्रीन पर चलते हैं और हैथवे की इस नई अपडेट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेस करते हैं 50 नंबर, जहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार वर्ल्ड। यहाँ पर स्क्रीन पर स्टार वर्ल्ड का जो इंग्लिश एंटरटेनमेंट का चैनल है, इसे चेंज नहीं किया गया है। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे स्टार वर्ल्ड HD जो कि 51 पर है, इसे चेंज कर दिया गया है। स्टार वर्ल्ड HD के यानी जो HD इंग्लिश एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं उनको यहाँ पर लाकर ऐड कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश मूवीज़ के चैनल के एलसीएन जो कि चेंज हो चुके हैं। 140 नंबर पर आप इसे देखते थे, अब इसका नया एलसीएन 66 नंबर रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे स्टार मूवीज़ जो कि इसका एलसीएन चेंज हो गया है। इसके तुरंत बाद देखेंगे MNX और फिर उसके बाद तुरंत देखिए मूवीज़ नाउ। MNX क्योंकि HD में नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पर नहीं देख सकते। सोनी पिक्स HD आप देखेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे सारे लाइन्स हैं यहाँ पर और आप सर्च कर सकते हैं 66 नंबर से लेकर और एंडिंग है इसका 89 लास्ट इसका LCN नंबर है इंग्लिश मूवीज़ के चैनल का। यहाँ पर देखिए वापस रिटर्न आता हूँ मैं, हॉलीवुड इंग्लिश जो कि फ्री टू एयर चैनल है 89 नंबर पर है। अब मैं यहाँ पर 140 प्रेस करता हूँ जो कि स्टार मूवीज़ का पुराना एलसीएन था और अब यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर दिस चैनल इज़ नॉट अवेलेबल यहाँ पर मैसेज हो रहा है। तो इस तरीके से अपडेट कर दिए गए हैं ये सारे चैनल्स। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा हैथवे ने अपने एलसीएन को अब अपडेट कर दिया है, इंग्लिश मूवीज़ के चैनल्स के एलसीएन को अपडेट कर दिया है, साथ में इंग्लिश एंटरटेनमेंट के चैनल्स को भी अपडेट कर दिया है। इंग्लिश एंटरटेनमेंट के चैनल्स की बात करें तो जो नंबर जो एलसीएन पहले था वही नंबर है, इसके अंदर जो ऐड किया गया है इंग्लिश एंटरटेनमेंट के HD के चैनल्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं और इंग्लिश मूवीज़ के चैनल के एलसीएन अब यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हैथवे की अपडेट जो कि पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में चेंजेस किए गए हैं। आप इनमें से कौन सा इंग्लिश मूवीज़ चैनल देखते हैं और इंग्लिश एंटरटेनमेंट चैनल कौन सा देखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक तक के आप लोग जरूर पहुँचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।